दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं, आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स, सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। साहिल के सुकून से इनकार है किसे, पर तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित यादव। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25 इन इंडियन स्पेशल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। एंड विद रिस्पेक्ट टू माय इंट्रोडक्शन, आई ओरिजिनली बिलोंग टू सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड आई हैव डन मोस्ट ऑफ माय स्कूलिंग फ्रॉम लखनऊ। I have completed my graduation and post graduation from Lucknow University, and today I am here to tell something about my strategy in detail, how one can crack this examination without the help of the coaching. So I will divide this video into the 4 part. In the first part I will discuss the general things about the examination, in the second part we will discuss about the general papers, and in the third part we will discuss about core statistical paper, that is there are 4 papers, and in the fourth part I will discuss the other things. So let's come to the first part. First of all, the aspirant who want to come into the process of this examinations, they must understand the process of the examination, means go through the cutoff, previous year question papers, and do analyze the papers. At this time, you have to identify the minimum and common material that other aspirants are following and the selected candidate are following, and you must stick to that material. And इसी के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो मार्कशीट्स हैं अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पेपर्स में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है। और इसी फेज के दौरान आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग करना है कि नहीं करना है। और मुझे लगता है कि कोचिंग करना और ना करना एक आपका कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर विल पावर, डेट हाउ कैपेबल यू आर एंड हाउ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर स्ट्रेटजीज एंड योर नॉलेज। सो मैंने कोचिंग नहीं करी थी, और मुझे लगता है कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बिना कोचिंग के इसको एग्जाम को निकाला है, तो निकल सकता है आसानी से। वो कहते हैं ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार करो। तो ये मेरी चॉइस थी। मुझे लगता है कि अगर आपने सोचा है कोचिंग नहीं करने को, तो इस प्रिपरेशन के फेज में आपको आपको ही कृष्ण बनना पड़ेगा, आपको ही अर्जुन बनना पड़ेगा। मतलब आपको ही स्वयं से आपको स्वयं से उपदेश देना पड़ेगा, और उस रास्ते पर चलना भी स्वयं पड़ेगा। मतलब समझाना भी स्वयं को है, समझना भी स्वयं को है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जब आपका इन सब के बीच आपका केवल एक ही टारगेट होगा कि आपका नाम यूपीएससी जो फाइनल लिस्ट जारी करती है उसमें होना, और जब इन सब के बाद जब आपका नाम उसमें होगा तो बहुत ही खुशी होगी, एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है ये बिना कोचिंग के हो सकता है, और बहुत सारे लोगों ने किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरल चीज़ों में है कि आप इस एग्जाम में आने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कई बार लगते हैं, और इस बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया और डॉक्यूमेंट की वजह से उनको इंटरव्यू देने मिला। तो आप एग्जाम में आने से पहले जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उसको आप प्रिपेयर करा लीजिए और वेरीफाई होने चाहिए, ताकि बाद में प्रोसेस के दौरान या आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ तो उसमें प्रोसेस उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज जनरल पेपर। देर आर 2 जनरल पेपर्स, वन इज जनरल इंग्लिश एंड अदर इज जनरल स्टडी। सो इन द जनरल इंग्लिश पेपर देर आर 6 क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एसे। सो मुझे लगता है कि एसे में अगर 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो बहुत काम करेगा। पहला ये है कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका अप टू द टॉपिक होना चाहिए, कि टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से कि आप उसको लिख सकें सही से। और सेकंडली जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड थिंग, जो आप बॉडी पार्ट में लिखते हैं एसे में, वो बॉडी पार्ट उस टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट मैटर ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं रिलेवेंट लिखने से। एंड फोर्थ थिंग ये है, आपको देखना है कि आपको बाउंड्री वाल पता होना चाहिए, कि टॉपिक का बाउंड्री वाल क्या है, और उसके बियॉन्ड मत जाइए, उसी में आप उस टॉपिक को डिस्क्राइब करिए। इससे आपका एसे अच्छा होगा और उसमें अच्छे से लिख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ प्रीवियस ईयर के जो सीएससी के टॉपर्स होते हैं उनके आंसर बुक देख सकते हैं, जो बहुत सारे साइट्स पर अवेलेबल रहती है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज प्रेसी। प्रेसी के लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रेसी को लिखने का नियम रूल्स क्या होते हैं। तो उन रूल्स को आप आइडेंटिफाई करिए कि कैसे हम 100 वर्ड के एक प्रेसी को 30 वर्ड में कर सकते हैं।
तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ आपको कौन सा पर्सन यूज करना है, कौन सा मीन्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंक्लूड करना है, तो उसका भी तरीका आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नौ तीसरा क्वेश्चन होता है वो पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ में आप कोशिश ये करें कि आप प्रीवियस क्वेश्चन के 15 से 20 पैराग्राफ देख के जाएं और उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उसमें से कर लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कई बार आपको एक लाइन दी रहती है, उसी को आपको डिस्क्राइब करना होता है, और उस लाइन का अगर हम सही से अर्थ ना समझें तो आप गलत डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो है आप उसको लिखने से पहले एक अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें पूछा क्या गया है और लिखने आप क्या जा रहे हैं, और उसको भी आप अच्छे से उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दिखाइए और बॉडी भी पार्ट दिखाइए, ताकि वो 5 नंबर का होता है उसमें अच्छे से आप कर सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज वर्ड्स एंड रिडीम फ्रेजेस। और वर्ड्स और रिडीम फ्रेजेस के लिए मैंने एक 1000 वर्ड का द हिंदू का एडिटोरियल आता है, पीडीएफ आता है एक तरह से, और उस पीडीएफ में 1000 वर्ड रहते हैं जो कि रिसेंट द हिंदू पेपर में आए रहते हैं या फिर किसी और पेपर में आए रहते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है यूजली, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पर डे 10 से 15 वर्ड आप देखते रहिए, तो या पर डे नहीं देख पा रहे हैं तो वीक में 1-2 दिन देखते रहेंगे, तो आपको लास्ट तक आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी, उससे इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप 1-5 आते हैं तो 1-2 भी अगर आपके सही होते हैं तो उससे बहुत स्कोरिंग हो सकता है इंग्लिश के ऊपर। नाउ इसी तरह आप जो है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस के लिए भी कर सकते हैं। और जो इसका 6th क्वेश्चन होता है वो ग्रामर होता है। ग्रामर के लिए आप प्लिंथ पैरामाउंट बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के वो आपको अच्छे से पता हो, और साथ साथ एक्सेप्शन जो है ग्रामर में कुछ रूल्स के एक्सेप्शन होते हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। इतना करने से इंग्लिश में लगभग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड जीएस पेपर। जीएस पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए एंशियंट और मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी को फॉलो किया था, और एंशियंट और मॉडर्न के लिए मैंने राजीव अहिर की एक्सपेक्टेंट फॉलो की थी। इसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसमें आपको सिलेक्टेड पढ़ना रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक इतना वास्ट है, हिस्ट्री का कोर्स इतना वास्ट है कि सब कुछ पढ़ना और उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वांटिफाई एनालाइज करिए, उसके बेस पे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए, उसको एक पेपर में नोट डाउन करिए कि कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भक्ति आंदोलन कई बार पूछा गया है, और बुद्धा का चैप्टर है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के कई बार क्वेश्चन आते हैं, टेम्पल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सब को आप प्रीवियस क्वेश्चंस को 10 साल के जो है उसको एनालाइज करिए, उसी के बेस पे आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कौन सा एरिया वहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसके आधार पर ही नोट्स बनाएं, और नोट्स आपका शॉर्ट होना चाहिए। सेम चीज आपको पॉलिटिक के लिए करना है। पॉलिटिक के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, और वहाँ से आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, आइडेंटिफाइड करिए कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज हैं, एंड डीपीएसपीज हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एंड कंस्टिट्यूशन बॉडीज हैं, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि और इसका एक शॉर्ट नोट्स मीन्स मोर देन हाफ पेज का एक नोट बना लीजिए हर टॉपिक के लिए, ताकि लास्ट में रिवाइज करना इजी हो जाए। और इसी तरह आप इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में ये जरूरी है कि आप जितने भी कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मॉनिटरी पॉलिसी है, बैंकिंग पॉलिसीज हैं, और कमिटीज बनती हैं, और जो भी टॉपिक न्यूज में चल रहे हैं उनका नोट्स ट्राई करिए, उनके नोट्स बन जाए, और वो नोट्स शॉर्ट्स होने चाहिए। और इसके अलावा आप जो है एक वेबसाइट होती है क्लियर आई, इसे आप देख सकते हैं इसको। नाउ फॉर ज्योग्राफी के लिए जरूरी है कि आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर फोकस करें और साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस करें। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में कई बार बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आता है, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेटिव होते हैं। आप देखेंगे कि वही टॉपिक बायोडाइवर्सिटी है, उसको कई तरह से पूछा गया है और डिफरेंट ईयर्स में। तो जीएस के लिए मेनली मैंने फोकस ये किया था कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करिए, वहाँ से टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, और उसी के बेस पे आप नोट्स बनाइए। और एग्जाम में आपको ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन अटेंड करिए, और जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, आंसर जिसका लिख रहे हैं, वो रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट टू द क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें। और इरेलीवेंट लिखने की कोशिश मत करिए, उसमें नंबर नहीं मिलता है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, डेट इज स्टैटिस्टिकल पेपर। देर आर 4 पेपर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन द फर्स्ट पेपर ऑफ स्टैटिस्टिक्स देर आर 4 सेक्शन। पहला प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड सेकंड इज स्टैटिस्टिकल मेथड, एंड तीसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, एंड फोर्थ इज कंप्यूटर। सो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए मैंने 2 बुक मेनली फॉलो की थी, एक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर, एंड सेकंड वन इज अ ट्रीटाइज ऑन द स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज गिवन बाय द दिव्यज्योति भट्टाचार्य जी। तो इन ये दोनों बुक एक दूसरे के एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो इन दोनों बुक में जितने भी नोमेकल्स दिए हैं
एग्जाम्पल्स दिए हैं या रिमार्क्स दिए हैं उनसे आप अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, और जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको आप अच्छे से करिए। ये दोनों बुक ही इस पेपर के लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत सुटेबल है। और इवन दो जो भट्टाचार्य जी वाली बुक है उसमें आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक भी मिल जाएगा, जो कि उसके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उस वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर फॉर्मूले आपको नहीं पता रहेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे। तो इन सब इन दोनों बुक से आपको सारे लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा चीज मैं बढ़ता हूँ एनी की ओर, न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने दो मेनली बुक फॉलो की थी, एक कृष्णा पब्लिकेशन की थी और दूसरी एच सी सक्सेना। इन दोनों बुक में भी जितने भी रिमार्क्स दिए हुए हैं, जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें आप सेलेक्टिव रहिए। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप कर लीजिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस में ऐसा है कि जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, उतने ही आपके आंसर आने के, एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको नई नई ट्रिक पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कभी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन यूजिंग द लैग्रेंज फॉर्मूला, तो लैग्रेंज फॉर्मूला एक तरह से डिफिकल्ट होता है कि कई बार हम क्वेश्चन लगाते हैं और कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। तो वहां पर आप लूटस डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या और भी दूसरे फॉर्मूले हैं जो यूज कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक आपको प्रैक्टिस के दौरान ही पता चले कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा के इजीली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इसमें कहते हैं कि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कौन से फॉर्मूले से आंसर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। नाउ कम टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैंने ई बाला गोस्वामी की बुक फॉलो की थी। इस बुक में ऐसा है कि कई बार कोई भी लाइन से उठा के क्वेश्चन बन जाता है, तो इस बुक में आप ये देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में है और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और बार बार उसे रिवाइज करिए। इसके अलावा क्लास 11th and 12th की कुछ एनसीईआरटीज हैं, जैसे सिक्योरिटी है और नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और एनसीईआरटीज में शायद बहुत ईजी दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और जो टॉपिक इन दोनों बुक्स में नहीं मिलते हैं उसको आप गूगल करके एक नोट बना सकते हैं, और कंप्यूटर में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको आप गूगल करके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर में सीधा यही है कि आप जितना रिवाइज करेंगे, जितनी बार इसको मल्टीपल रिविजन करेंगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा ये। नाउ कम टू द स्टैटिस्टिक्स सेकंड, इसमें मेनली तीन सेक्शन होते हैं। एक स्टैटिकल इन्फरेंस होता है, स्टैटिकल इन्फरेंस बहुत स्कोरिंग होता है, और दूसरा लीनियर मॉडल होता है, एंड थर्ड वन इज ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिकल इन्फरेंस के लिए मैंने मेनली चार बुक फॉलो की थी। पहला कि अपना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय बी के गुप्ता एंड एस सी कपूर, एंड सेकेंडली मैंने फॉलो किया था बी के रोहतगी, एंड थर्ड वन इज ये एट्रिटाइज ऑन द स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिव्योतिम भट्टाचार्य। और चौथी बुक जो थी एक मनोज श्रीवास्तव की दो बुक्स आती हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। इन चारों बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आरबीआई के लिए भी काम आ जाएगा ये, और साथ साथ जितने इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं लगभग अगर आप उसमें पढ़ लेते हैं तो वो बहुत काफी हो जाएगा इस एग्जाम के लिए। नाउ इसमें यह समझना होता है कि अगर आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं, आंसर याद हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो और स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन्फ्लुएंस पे अगर फोकस किया जाए तो पेपर टू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ जो सेकंड इसका सेक्शन है वो लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल के लिए मैंने जो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें एक चैप्टर होता है एनोवा। एनोवा से आप एनोवा पूरी तरह से पढ़ लीजिए, कई बार उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा एक बुक है लीनियर मॉडल इन स्टैटिस्टिक्स बाय एल्विन सी रेंचर, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसमें बेसिकली ये देखिए आप कि मल्टीवेरिएट से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और इसमें लीनियर मॉडल का भी कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, तो एक तरह से आपको मैट्रिक्स से भी एक इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, और कई बार जो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी रिलेटेड कर जाते हैं, तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा। और इन दोनों बुक के साथ साथ आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मल्टीपल प्रैक्टिस के लिए जो आईएएस में आए हुए हैं क्वेश्चन का, ये हो गया लीनियर मॉडल के लिए। और तीसरा हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में ऐसा है कि आप मॉस्पी की वेबसाइट से जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उसको डाउनलोड करिए। उन एनुअल रिपोर्ट्स में जितने भी मॉस्पी के डिविजन्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उन सबको जान सकते हैं। और इसके अलावा मॉस्पी की वेबसाइट के अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ होम की वेबसाइट पर जा सकते हैं और लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इन सब वेबसाइट से आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करिए और उनसे ही नोट्स बनाइए। अगर एनुअल रिपोर्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप जो वेबसाइट पर भी अबाउट सेक्शन में जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप कट कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना सकते हैं, और यही आता है। इसके अलावा नेशनल इनकम के भी कुछ
टॉपिक आते हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया और एनएनपी हो गया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैंने रमेश सिंह की इकोनॉमी की में एक नेशनल इनकम का चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पूरे तरह से पढ़ लीजिए और वहीं से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो बहुत स्कोरिंग होता है। नाउ ऑफिशियल सर्च के लिए आप जितना रिवाइज करेंगे, जितने मल्टीपल रिविजन करेंगे और उतना ही बेनिफिशियल होगा। अब इस पेपर वन और टू में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके नोट्स हों वो बहुत क्रिस्पी होना चाहिए, और जब आप पेपर की प्रैक्टिस करिए तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको नोट्स में आपने शामिल करिए कि कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान मिला और हो सकता है कि अगली बार मिले, तो वो डायरेक्टली आप उसको अपने नोट्स में लिख दीजिए। इससे ये होगा कि आप जब दोबारा करेंगे तो वो आपको करते टाइम वो टाइम भी बचेगा और उसका आंसर भी आपको याद रहेगा। और इसमें पेपर वन और टू के लिए जो मुझे सबसे बेनिफिशियल सोच लगता है वो एसईटी का लगता है। एसईटी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे स्टेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ये सब ना एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट को आप सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आईसी से रिलेटेड होते हैं, और उसको सॉल्व करते समय आप देखेंगे कि कई सारे नए कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहे हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक में कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं उसको भी जानकारी आपको मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि एसईटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इसको सॉल्व करने से फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। नाउ कम टू द थर्ड पेपर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इस थर्ड पेपर में तीन सेक्शन होते हैं, एक आपका सैम्पलिंग होता है, सेकंड इकोनॉमेट्रिक्स होता है, एंड थर्ड वन इज टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर होता है। तो सैम्पलिंग के लिए मैंने मेनली तीन बुक फॉलो की थी, पहली फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंडली सलभ सर की नोट्स, और तीसरी जो बुक थी वो दरोगा सिंह की थी। इसके अलावा आप न्यूमेरिकल्स के लिए एक बुक आती है सरजिंदर सिंह की, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे हैं। तो कोशिश इसमें ये करना होता है कि न्यूमेरिकल्स कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आता है तो उसमें समझ नहीं आता कि हमको यहाँ पर टू स्टेज यूज करना है या टू फेज यूज करना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने टॉपिक्स हैं, जितने सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं, उस सब टेक्निक पे आपको एक से दो न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता चल जाए कि कौन से फॉर्मूला यूज करना है और कौन सी टेक्निक लगानी है हमको। इसके अलावा जो आपका सेकेंड टॉपिक होता है इकोनॉमेट्रिक्स होता है, उसके लिए मैंने तीन बुक फॉलो की थी। पहला सलभ सर की नोट आप देख सकते हैं, सेकेंडली जो गुजराती की बुक है वो काफ़ी बेहतर है इसमें, और तीसरी बुक जो है न्यूमेरिकल्स के लिए सहजा चौधरी की बुक है, उसको आप फॉलो करिए। और कुछ टॉपिक्स हैं जो इन तीनों बुक्स में कम मिलेंगे या फिर अच्छे से नहीं मिलेंगे, जैसे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, इसके अलावा कई और टॉपिक्स हैं, उसके लिए आप ग्रीन की बुक या मडाला की बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिए कि पेपर थर्ड में या किसी स्टार्स के किसी भी पेपर में आपको किसी एक बुक से सारे सिलेबस कवर नहीं हो सकता है, तो बहुत सारे बुक्स को रेफर करना पड़ेगा और उससे अपना एक नोट्स बनाना पड़ेगा, और वो नोट्स बहुत काम का होना चाहिए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कई बुक रेफर करी, और इन सारे बुक में जो मैंने बताया इनमें सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको टॉपिक वाइज जाके जो जो टॉपिक आए हुए हैं उससे रिलेटेड क्या आ सकता है वो आपको देख लेना है। नाउ कम टू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस पेपर, दैट इज इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। बेसिक इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज के लिए मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को फॉलो किया था। इसमें जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं और जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से करिए। इंडेक्स नंबर के लिए और कोई बुक नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। और टाइम सीरीज में एडवांस टाइम सीरीज के लिए एक एल्विन सी रेंजर की बुक आती है टाइम सीरीज एंड फॉरकास्टिंग करके, तो उसको आप रिफर कर सकते हैं। उसमें एडवांस टाइम सीरीज की बहुत सारे टॉपिक्स जैसे अरिमा है, आर्मा है, एमए है, एआरएमए है, तो उसको आप जान सकते हैं, और उसमें फॉरकास्टिंग के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। तो एल्विन सी रेंजर इज द बेस्ट बुक फॉर द टाइम सीरीज। पेपर थर्ड में आपको ये कोशिश करना है कि जब आप पेपर सॉल्व करें एग्जाम में, तो पेपर सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस चूज करना, जो आप कौन सा क्वेश्चन आपको करना है ये वाइसली होना चाहिए, कि क्योंकि एक क्वेश्चन में तीन सेक्शन होते हैं, तो वो तीनों सेक्शन आपको अच्छे से पता हो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें। और कोशिश ये करना चाहिए जितने भी टॉपिक दिए हैं पेपर थर्ड में वो पूरे करके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि दो टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे, तीसरा नहीं पढ़ के जाते हैं या इग्नोर करके जाते हैं, तो उस तीसरे टॉपिक से कई अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ईजी होते हैं, और उसको करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो क्वेश्चन आप कर सकेंगे, एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो उसे स्कोर डाउन हो सकता है। तो ये रहा पेपर थर्ड की स्ट्रेटजी। और पेपर फोर्थ पे आते हैं। पेपर फोर्थ में देर आर सिक्स पेपर्स, एंड आउट ऑफ दिस सिक्स पेपर यू हैव टू चूज ओनली टू। सो आई हैव चूजन डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट। सो फॉर डेमोग्राफी आई हैव फॉलोड थ्री बुक्स आई हैव फॉलोड। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, मीन्स जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, रिमार्क्स हैं, उसको आपको अच्छे से देखना है, कई बार रिमार्क्स से क्वेश्चन बन जाता है। एंड सेकंड बुक डेट आई हैव फॉलोड इट इज एमएल झिंगमल बुक। थर्ड बुक जो है वो एक के श्रीनिवासन की ट्रेनिंग मैनुअल होती है, उसमें भी कुछ टॉपिक मिल जाएंगे आपको। तो इन तीनों बुक से आप देखिए
जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उसको इन तीनों बुक से ही कवर करिए, इसमें सारे बुक्स सारे टॉपिक कवर हैं। और अब आते हैं मल्टीवेरिएट पे। मल्टीवेरिएट के लिए मैंने एक जॉनसन एंड विचरन की बुक फॉलो की थी, और दूसरी बुक जो थी एक सर है आर्यू खान सर है, उनकी 75 पेजेस की नोट्स हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से सॉल्व हैं और डेरिवेशन भी किए गए हैं। और तीसरी बुक एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस बाय एल्विन सी रेंचर आती है, इसमें न्यूमेरिकल्स काफी हैं। इन तीनों बुक्स को रिफर करिए, इसमें इससे मल्टीवेरिएट हो जाएगा। मल्टीवेरिएट के लिए जो और जो विचरन और जॉनसन की बुक है उसके सॉल्यूशन भी ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, और एक सॉल्यूशन के लिए बुक्स भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और पेपर फोर्थ में जितने भी पेपर फोर्थ बहुत स्कोरिंग होता है, तो उसमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं और उन सारे टॉपिक्स पर नोट्स आपके हों, क्योंकि कहीं भी कई बार कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है और सारे नोट्स हों, और इन दोनों दोनों जो सेक्शन होते हैं जो 100-100 मार्क्स के होते हैं, तो इसमें ये कोशिश करना चाहिए कि जब पेपर अटेंड करें तो इक्वल टाइम दोनों को दें, ताकि पेपर पूरे से तरीके से हो जाए। और इसके साथ साथ जब पेपर थर्ड और फोर्थ में जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये कोशिश करना चाहिए कि जितने आईएएस के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हों, इसके साथ साथ आईएएस के भी सीएसई एग्जाम में जो होते हैं वो सॉल्व हों, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलता है इसका, क्योंकि ऐसा होता है कि वही सब क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, कुछ अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे वही रहते हैं, टॉपिक वही रहता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि जितने पेपर आपको मिल जा रहे हैं जो यूपीएससी कनेक्ट कराता है उसके पेपर आप सॉल्व कर लें। तो ये इन चार पेपर की स्ट्रेटजी रही। नाउ कम टू द सम जनरल थिंग्स अबाउट व्हाट नीड टू डू व्हाट नॉट टू डू। पहला ये है कि आप जब अभी तो जब आपका एग्जाम होने वाला हो, 3 महीने बचे हो, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 महीने पहले आप जो है शॉर्ट नोट सारे प्रिपेयर करें, ताकि उसको आप पहले से रिवाइज कर सकें। और 3 महीने पहले आप जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस को डबल कर दीजिए, जितना आप कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। इस समय आपको एनालिसिस पे ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा था कि जब मैं सुबह उठता था उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा पहला काम होता था कि 2 घंटे एमसीक्यूज को सॉल्व करना। एमसीक्यूज को आप सॉल्व करिए और उस एमसीक्यूज को लास्ट में आपको एनालिसिस भी करना है। जितना टाइम जैसे मान लीजिए 2 घंटा मैंने सॉल्व किया और लास्ट में 1 से 1.5 घंटा मैं उसको एनालिसिस करता था कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत किया तो उसमें गलती क्या रही, और कोई नया क्वेश्चन आया उसमें नया फैक्ट मिला तो उसको उस फैक्ट को मैं डायरेक्टली अपने नोट्स में लिखता था। तो ये प्रोसेस अगर आप करेंगे 2 से 2.5 महीने तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और गलती करने के चांसेस भी कम होंगे। मतलब इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम गलतियां कैसे कर रहे हैं और उन गलतियों पर बार बार काम करना है, और इससे वो रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें यह है कि मेरा पूरे जब थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने पूरे साल वॉकिंग पे मैं शाम को जाता था, रनिंग पे जाता था। तो एक ये भी कहूंगा कि आपको इस पूरे फेज के दौरान बौद्धिक रूप से तो स्ट्रांग होना ही है, साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी होना है। इससे आप इसके लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए, आप जितना पॉसिबल हो सके आप पढ़िए और अपने आप को स्वस्थ भी रखिए, क्योंकि ये प्रोसेस छोटा नहीं होता, लंबा होता है। थर्ड क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है एक कि पेन कौन सा यूज करें, पेन अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज करिए। बहुत सारे पेन मार्केट में हैं, आप 5-10 पेन खरीद लाइए और उससे वो पेन देख लीजिए लिख करके, जिसमें आपकी स्पीड अच्छी हो रही है, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू एमएससी फ्रॉम एमएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनआईटी ट्रिची। दिस वॉज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ज्वाइन द प्राइवेट जॉब्स। सो आई वॉन्ट टू एड वन थिंग विद दिस, बिकॉज द थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड फॉर यू विल डू बेटर इन दैट थिंग। सो इट इज गुड फॉर यू कि वो चीज़ आप फॉलो करिए जिसको आप रियली करना चाहते हैं। तो इस फेज में डिसीजन आपको बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कोचिंग नहीं करना, मैं इसको कर सकता हूँ, इट इज़ माई कॉन्फिडेंस दैट आई कैन हैंडल दिस थिंग्स प्रॉपरली, और मैंने एनआईटी नहीं ज्वाइन किया। तो कीप इन द माइंड दैट योर डिसीजंस ऑलवेज डिफाइन द कोर्स ऑफ योर लाइफ, योर डिसीजन डिफाइंस व्हाट यू विल डू इन योर लाइफ। सो ऑलवेज स्टिक टू योर डिसीजंस। और इसमें ये कोशिश करना चाहिए कि आप अपने काम पे लगातार करते रहिए और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते रहिए। और इस पूरी बात के साथ मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी, अपने माता पिता और अपने भाई बहन को देना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सारे टीचर्स को हृदय से नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया और बनाया। मैं आजीवन उनके आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। सो आई बिलीव दैट यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। व्हाट एवर द डिसीजन दैट यू विल टेक अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर करियर, विल डिफाइन द कोर्स ऑफ योर लाइफ। सो एज अ ह्यूमन बींग आवर ड्यूटी इज टू वर्क हार्ड, सो डू द थिंग्स दैट डिफाइंस यू। और आप जो है वो काम करिए जिससे आपको सफलता मिले, आप आगे बढ़ते रहिए।
यूपीएससी की वर्ड में एक बहुत फेमस कविता है, उसको मैं आपको सुनाऊंगा, उससे कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होगा। जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत को वरदान ही जब मरना लिया ठान ही, कह मृत को वरदान ही जब मरना लिया ठान ही, तो फिर जीत क्या फिर हार क्या। छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल के अंगार क्या। अब नौका जब तट को छोड़ चली है, जाने यहाँ किस ओर चली है, ये बीच नदी की धारा है, सूचतानुकूल किनारा है, ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप अपने काम में लगे रहिए और जरूर सफल होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड थैंक यू।